संतों के बीच में, साधकों के बीच में जब तकरार चलती है तो फिर शिष्यों के बीच में आ जाती है, क्योंकि शिष्य जब तकरारों को देखते हैं, समझते हैं, तब उन्हें लगता है कि गुरु की जो अवमानना की जा रही है उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि कुछ लोग अशालीन भाषा में जवाब देते हैं, कुछ लोग शालीन भाषा में अपनी बात को कहते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स, कल के हमारे एक वीडियो पर भी एक कमेंट यूट्यूब पर था, जो कि श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के एक शिष्य का था, जिन्होंने हमसे बात करने की इच्छा प्रकट की थी। हमने उनको कहा था कि आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपका संवाद भी लेंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, शर्त सिर्फ इतनी सी है, आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन शालीनता की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इस क्रम में आज हमारे साथ पंडोकर धाम की शाखा बागपत के शिष्य पंडोकर सरकार गुरुसरण जी महाराज ने, जिन्हें अपना शिष्य नामित कर रखा है, और वो बागपत उत्तर प्रदेश से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान सुरेश भगत जी। सुरेश जी जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, ये घटनाक्रम जी 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 बोलिए आप। हम मेरठ से एक छोटा डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बागपत। हाँ जी। वहाँ पे श्री पंडोकर सरकार धाम के नाम से ही मतलब शाखा है बागपत में जी, तो वहाँ दरबार चलाते हैं। तो हम ये कई दिनों से देख रहे हैं, जो भी ये मैटर चल रहे हैं शक्तिपुत्र जी और पंडोकर सरकार जी के बीच में जी, तो हमारे गुरु जी है, हम सुन रहे हैं सारी बातें। अब जो लोग दूर रहते हैं उनको तो असलियत का पता नहीं है, बस वे तो ऐसे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो मैं ये शक्ति पुत्र जी से पहला प्रश्न यही चाहूंगा कि पहले तो अपने नाम को पूरा करे। शक्ति पुत्र ये कोई नाम नहीं हुआ, शक्ति पुत्र में गणेश जी भी है, कार्तिकेय जी भी है, और ये शक्ति पुत्र डॉट 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 यानी के पूरा नाम ही नहीं है कोई। कौन से पुत्र है? माता तो पुत्र उनको भी बोलती थी, जो पीछे मतलब भगवान शिव के गण है उनको भी पुत्र से संबोधित करती थी। कहीं ये उन गणों में से तो एक नहीं है जो पीछे सींग लिए खड़े है? ये सींग वाले पुत्र तो नहीं है उनके, क्योंकि गणेश जी तो हो नहीं सकते, कार्तिकेय जी भी नहीं है, और शक्ति पुत्र तो भूत प्रेत ये सबको मानती थी माता, तो ये उनमें से कोई पुत्र तो नहीं है। एक तो ये अपना नाम पूरा बताए कि ये कौन से पुत्र है शक्ति पुत्र, ठीक है जी जी। और हम काफी सुन रहे हैं इनको, ये अच्छी बात नहीं है। कल हमने देखा ये मतलब वीडियो, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ये जो मतलब कर रहे हैं जैसा फोटो पे चप्पल जूते, अरे ये तो फोटो पे बरसा रहे हैं, अगर हमें हमारे गुरु जी आदेश करें ना तो हम सामने से प्रतिक्रिया दे देंगे ये, और इनको सावधान रहना चाहिए, जिस दिन हमारे गुरु जी आदेश करेंगे वो अच्छा दिन नहीं होगा इनके लिए। तो इसलिए मेरी ये इनसे गुजारिश है, मैं प्रार्थना करूंगा बड़े हैं हमारे से कि महाराज जी ऐसा न करें, इनको समझाए रहनी चाहिए, बिल्कुल वही बात है। और जो ये आप सब बोल रहे हैं मतभेद जो हो रही है, ये तो ऐसे तो श्री कृष्ण जी के सामने शिशुपाल जी भी बोले थे, कृष्ण जी ने भी सुना था, ये कहीं वही बात तो नहीं हो रही कि जिस तरीके से शिशुपाल ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी भगवान श्री कृष्ण जी को, सुनी उन्होंने, भगवान ने सुनी, इसलिए हो सकता है वैसे ही भगवान की कोई लीला हो, ये कोई शिशुपाल जी ना आगे हो पृथ्वी पर, ये देखे तो जाके गुरु जी ने कितनी बार बोला भाई अपने 500 शिष्यों को भेज दो, अगर मैं 499 का बता दूं और एक का ना बता पाऊं तो भी मैं दंडी वो स्वीकार करता हूं अपनी पराजय। और मैं मतलब ये तो मैं बताता हूं आपको, संजय सनम जी सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं छोटा सा गुरु जी का शिष्य हूँ, मैंने वहीं से सारी कृपा प्राप्त की है, हाथीवान महाराज जी का शिष्य हूँ, और ये बहुत सारे गुरु आजकल बड़ी बौछार सी आ रही है ना, काफी यूट्यूब पे, और हम यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि हमारे गुरु का आदेश ही नहीं है। तो मैं इन सबको ना, चाहे इसमें कोई भी हो, मेरे गुरु को छोड़ के मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ, इन्हें पता चलेगा कि गुरु क्या है, चेला ऐसा है तो गुरु कैसे होंगे,
हम तो द्रोणाचार्य गुरु है हमारे तो ये, और हम तो वे अर्जुन है इनके, कि जब ये बोल देंगे ना हमें कि जाओ बेटा जाओ बेटा, और ये भद्र कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने ना द्रुपद को बुलवा लिया था अर्जुन से, मैं इन्हें खुली चुनौती देता हूँ गुरु जी को छोड़े और आइए कैमरा लेके मंच पर आइए, और मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ इनसे, इन्हें पता चले कि ये चेला क्या है तो इसके गुरु जी क्या होंगे। ऐसे तो प्रधानमंत्री को भी बारी वाली दे देते हैं लोग, बतेरे चुनाव के दौरान पुतले उतले जलते रहते हैं, ये क्या क्या होता है? ये सबसे बड़ी बात है कि चलो राजनीति की दुनिया में आरोप प्रत्यारोप प्रदर्शन पुतले सब अच्छे लगते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में विरोध का भी ये तरीका हमें उचित नहीं लगा। ये विरोध का तरीका हमारा सभ्य समाज इसे स्वीकृत नहीं करता। चुनौती हो सकती है, चुनौती शब्दों से दीजिए लेकिन शालीनता से दीजिए। ठीक है, आपने भी कहा है कि मैं चुनौती देता हूँ, तो ये शालीनता से अगर चुनौती जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शालीनता को बिल्कुल पार नहीं कर रहा हूँ, मैं शालीनता से ही, अगर ये हमारे जो व्यूअर्स है आपके या अन्य जो यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं लोग, इन्हें क्या पता, ये जब मंच पे आएंगे तब पता चलेगा ना इन्हें तो असलियत क्या है। ऐसे तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि भाई मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को भी गाली गलौज कर दी थी शिशुपाल ने, तो क्या शिशुपाल बड़े हो गए, भगवान भगवान नहीं रहे? तो यही है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हमें मजबूर ना करे कि हम बौखला जाए। हम यूपी हरियाणा की सीमा से है, चलिए सब संयम से रहें, हमारी यही जो है कामना है। मैं आध्यात्मिक पावर से ललकारता हूँ ऐसे शक्ति पुत्र, मैं तो कहूंगा शक्ति कपूर, मेरे तो मुंह से शक्ति कपूर ही निकलता है कई बार। ये शक्ति पुत्र है तो कौन से शक्ति पुत्र है? और ये कह रहे हैं कि गुरु जी ने दो शादी की है। अरे दो शादी की है तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी दो शादी की थी, कई शादी की थी, दशरथ जी ने भी, और दशरथ जी के घर पुरुषोत्तम राम जी ने भी जन्म लिया है, और हमारी जो बड़ी गुरु माता है उनसे वंश नहीं आगे बढ़ा, गुरु जी ने विवाह कर लिया। विवाह करके उस गद्दी को एक आने वाले समय में एक गुरु तो मिलेगा, नहीं तो पता चलता कोई ऐसा ही कालनेमी बैठ गया उस पर और शराब बंद करनी शुरू कर दी उस दरबार से। तो ये तो हम तो अपने गुरु जी का आभार व्यक्त करते हैं इसमें कि उन्होंने ये भी एक सृष्टि के लिए एक दया कर दी है, भाई चलो वंश आगे बढ़ गया है ना। तो ये सब कोई बात नहीं होती है जो ये बातें उठा रहे हैं छोटी छोटी। सुरेश जी कहता है कि ठीक है आपने अपनी बात कही, शराबबंदी वेशन बंदी ये अच्छी बात है लेकिन तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, और उसके लिए इस तरह का काम जो जैसा कि हमने कहा कि शिष्य गुरु का परिचय देते हैं, ये बात हमने बार बार कही है। और बिल्कुल कितनी बार हमारे गुरु जी ने संजय जी कितनी बार ये कहा कि भैया मंच पे आ जाओ बैठ जाओ, ये पीछे से थोड़ी ना बकवासबाजी होती है करने की। और ये मासूम इनोसेंट लोग भक्त लोग ये इनको ये सब जानते हैं। नंबर मत बनाओ शक्ति महाराज जी, ये पब्लिक है सब जानती है, चलो कुछ चमत्कार तो करके दिखवाओ। मैं भी देवी भक्त हूँ, मैं भी माता का भक्त हूँ, अनेकों तपस्याएं अनेकों सिद्धियां की हुई है मैंने भी, पता नहीं पाएगा बैठ के ना, ये नहीं पता कर पाओगे बैठे कहाँ हैं हम। अगर शक्ति है तो पहचान पाओगे, लेकिन शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, शक्ति वाला व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करता। और ये तो वो है, अरे हम हनुमान जी के भक्त हैं, उन्होंने कालनेमी ने भी आप जैसा रूप धारण करके बैठे थे वे भी, लेकिन हनुमान जी से नहीं बच पाए थे, इसलिए सावधान रहो। हनुमान जी के भक्त हैं हम, वो पहचान लेंगे एक मिनट में। कालनेमी भी साधु वेश में ही राम राम जप रहे थे लेकिन हनुमान जी से नहीं बचे थे। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा एक कि महाराज जी आराम से बात करें, जब मन हो तब प्रतियोगिता को आगे बढ़ाए, और गुरु और शिष्य दोनों में से किसी को भी चुन ले और जहां मर्जी वहां बैठ जाइए पब्लिक के सामने, या तो गद्दी हम छोड़ देंगे या गद्दी आप छोड़ देना। ठीक है आपके यहाँ भीड़ भाड़ है, अरे भीड़ भाड़ तो उनके पास भी है जो लोग कहते हैं हम बाबा नहीं हम ढाबा है,
उनको बाबू नहीं, उनको बाबू सुनाई देता है। वे भी तो उनके यहाँ भी है, समझ रहे हैं मैं आप कहाँ बोल रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं एक नाम है, एक लड़की है, वो कह रही प्रभु उनको सुनाई दे रहा बाबू, बाल हिलाते हैं, सिर मारते हैं, ये करते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। नाचने वाले बाबा नहीं है हम। इन्होंने दो संतों को बहुत गलत छेड़ दिया, संत रामपाल जी और ये हमारे गुरु जी पंडो का सरकार। ये नाचने वाले गुरु नहीं है, ये भजनों पे नाचते थिरकते नहीं है। चलो वो भी देखो सुरेश जी, नाचना नृत्य भी चलो अगर भक्ति से होता है तो भगवान को स्वीकार होता है, हम उसमें नहीं जाते। हम सामयिक संदर्भ पे ही आते हैं कि भाई तकरार जो है, वाद विवाद के इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए कि पुतले जलाए जाए, पुतले नहीं जलाए जाने चाहिए, आपस में संवाद होना चाहिए, आपस में बात होना चाहिए, तार्किक तथ्य रखे जाने चाहिए और उसमें जो बात जिसकी सही हो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। बस सीधी सी बात है कि सद्भावना की सद्भावना है कि हमारे जो शक्ति पुत्र जी है, वैसे नाम पूरा नहीं है, ये पता नहीं कौन से पुत्र है क्योंकि गणेश जी ने तो स्वयं दो शादी की थी, है ना, अभी इन्होंने पता नहीं शादी की या ना की। चलिए उसमें नहीं जाएं, हम किसी की प्राइवेट लाइफ पे नहीं जाते, नहीं जाना चाहते जी, बिल्कुल नहीं चलता किसी में क्या है, क्यों नहीं शादी कर पा रहा, हमें नहीं जाना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ। हम ये जानते हैं कि हम जब तक किसी को पूरा जानते ही नहीं उस पर हमें बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर उनके भक्त उन्हें गुरु मानते हैं और इतने भक्त उनके पास हैं तो ठीक है, एक सम्मानीय शब्द है, हम उन्हें उनके नाम से दें, कोई ऐसा बात हमको भी नहीं करनी है। हाँ जी संजय जी, शक्ति भी होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठा तो आप सब जानते हैं, भीड़ इकट्ठा तो हमारे काफी, वो समोसे खाने वाले बाबा उनके पास भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, है ना, कि वो समोसे खाओ ये खाओ कृपा रूपी, भीड़ का नहीं होता, ये भीड़ को देख के खुश हो रहे हैं सुरेश जी, और इन्होंने सोचा मैं सचमुच शक्ति पुत्र बन गया। भीड़ इकट्ठा, भाई जन्म से थोड़े ना आपका नाम शक्ति पुत्र है, भीड़ इकट्ठा करने से मैं बिजनेस पर्पस से रख लिया जिससे लोगों पर प्रभाव आए। सुरेश जी भीड़ इकट्ठा करने से कोई बड़ा नहीं होता, इनको मजा तब है, मजा तब है जब भीड़ को आप शिक्षित करो, सही रूप से संस्कारित करो और भीड़ आपके शिक्षा और संस्कारों के मुताबिक चले। और शक्ति पुत्र जी मेरठ क्रांति का क्षेत्र है, क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ऐसा ना हो कि यहाँ से शिष्य भड़कने शुरू हो जाए, इसलिए आप संभल जाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप बड़े हैं हमारे। और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्योधन को बार बार युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन कम से कम आप दुर्योधन की तरह ना चले, इसलिए संभल जाए, ये फोटो वोटो जूते वूते मारना नहीं, तो ऐसा ना हो जाए कि हम ये प्रतिक्रिया सामने से भी दे देंगे। चलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे शब्द हमें नहीं कहने चाहिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सबके गुरु होते हैं और जिनको ये बात बुरी लगे वो ये समझ लेना कि जब उनके गुरु के साथ में ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई जा रही हो तो उन्हें गुस्सा आना जायज है कि नहीं है। गुरु गुरु होते हैं, गुरु कोई भी हो सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें हमारे गुरु का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, बस 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 बात का मर्म यही है कि तो मर्यादा में ही रह के अच्छा लगता है, ये संतों की भाषा नहीं है ये कि भाई तुम जूते चप्पल मारो ये मारो, अरे कौन कहता है, ये काम होते हैं क्या भगवान के? और फिर से मैं चुनौती देता हूँ इस चीज के लिए, जब मन करे ना गुरु चेले में से कोई से गुरु छाट लेंगे और बुलवा लेंगे। चलिए आइए हमें अपनी परीक्षा दीजिए। चलिए परीक्षा की बात है, चुनौती की बात है, अगर तर्क के साथ है तो वो बात अच्छी लगती है, लेकिन उसमें उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम असभ्यता की बात कर लें, अराजकता की बात कर लें, वो बातें अच्छी नहीं लगती। तर्क के साथ हो संवाद, हम बार बार यही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल संवाद से हल निकलना चाहिए, संवाद सबके सामने आना चाहिए कि भाई देखो ये प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ पे मीडिया भी होना चाहिए जी और देखे भाई किसमें कितनी शक्ति है, वे तय करेंगे कि कोई शक्ति कपूर है या वो शक्ति पुत्र है, और शक्ति पुत्र है तो कौन से पुत्र है,
जी, बिना मतलब के पर्सनल लाइफ में कि उन्होंने दो दो शादी की है। अरे भाई, दो दो शादी ना करके तो वंश आगे ना बढ़ा के फिर पता चलता कोई काल नहीं आके गद्दी पे बैठ गया और वो शराब छुड़वाने का काम करने लगा वहां से। ये शराब वराब छुड़वाने वाले बाबा नहीं है हम। मैं पुनः कहता हूँ सुरेश जी, अगर शराब छुड़वाई जाती है संकल्प के साथ तो वो भी मिशन अच्छा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अच्छा है जी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना जी। हाँ, तरीका आप तरीका बिल्कुल, हम पता नहीं क्या क्या छुड़वाते हैं जी, हम शराब के साथ साथ में और अन्य पता नहीं क्या क्या छुड़वाते हैं जी। ठीक है सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने अपनी बात कही है, और आपके नंबर जाएंगे स्क्रीन पर। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूवर्स, ये थे सुरेश भगत जी, जिन्होंने अपने मन की बात जो है आप तक पहुंचाई है शब्दों में। अगर कहीं भी अगर आप कि भावना आहत हुई हो तो चैनल की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। गुरु गुरु होते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। जी 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 जी, जो ये चल रहा है ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हम भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो सिर्फ यही ध्यान रखे कि मेरे गुरु के साथ ऐसा हो रहा हो तो मैं भटकूंगा कि नहीं। जी चलिए, ठीक है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, जय जय जय।